आज हम प्लान देखेंगे 13 फीट बाई 100 फीट का। तो बेसिकली ये जो हमारा घर का नक्शा है, इसका लेंथ 13 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 100 फीट का है। तो ये हमारा फ्रंट हाउस प्लान है। फ्रंट में आपका रोड आएगा, फ्रंट से आपको लाइट मिलेगी, एयर मिलेगी, आपको वेंटिलेशन मिलेगा। और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज आएंगे, वो तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला, डायमेंशन वाला, 2D वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऊपर आई टैब में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 13 फीट के साइड से। तो एंटर करते ये पार्किंग का एरिया आएगा। पार्किंग का जो साइज है वो 12 फीट इंटू 15 फीट का है। जो लेंथ है वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 15 फीट की है। पार्किंग के अंदर आप एक कार आराम से पार्क कर सकते हैं और साइड में आप एक बाइक या दो बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से हम आगे जाए तो आगे ये 4 फीट का दरवाज़ा दिया है। इससे हम अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज़ है वो 12 फीट इंटू 13 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दी है। ये दोनों विंडो हमारी यहाँ फ्रंट साइड में खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। हॉल से हम आगे जाए तो आगे स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और स्टेयर्स के जो नीचे की जगह है यहाँ पे ये दरवाज़ा दिया है 2 फीट 6 इंच का। इसे हम एंटर करेंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। तो इसका जो साइज है वो 3 फीट इंटू 7 फीट का है। जो लेंथ है वो 3 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 7 फीट की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। इससे हम बाहर आए तो ये आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये पैसेज दिया है 3 फीट का। ये पैसेज हमारा आगे जाता है। आगे यहाँ पे ये डोर दिया है 2 फीट 6 इंच का। इससे हम अंदर जाएंगे दूसरे टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया के अंदर। इसका जो साइज है वो 6 फीट इंटू 3 फीट का है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये दोनों विंडो हमारा यहाँ OTS के अंदर ओपन होगी। आप देख सकते हैं हमारा ये OTS का एरिया है। OTS जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है। ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा जो जो विंडो इसके अंदर ओपन होगी उसके अंदर। से हम बाहर आए तो ये पैसेज एरिया के आगे ये किचन का एरिया आता है। इसका जो साइज है वो 12 फीट इंटू 8 फीट का है। जो लेंथ है वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 8 फीट की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो ये खिड़की भी हमारा यहाँ OTS के अंदर ही खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। से हम बाहर आए तो ये पैसेज एरिया हमारा आगे जाता है। इसके आगे हमारा ये 3 फीट का दरवाजा दिया है। इससे हम एंटर करेंगे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इसका जो साइज है वो 9 फीट इंटू 12 फीट का है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये विंडो हमारा यहाँ पैसेज में ही ओपन होगा तो आपको थोड़ा सा वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। इससे हम आगे जाए तो ये लास्ट में ये 3 फीट का दरवाजा दिया है। इससे हम अंदर जाएंगे सेकेंड बेडरूम के अंदर। इसका जो साइज है वो 12 फीट इंटू 12 फीट का है। जो लेंथ है वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो भी 12 फीट की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो ये खिड़की यहाँ पे बैक साइड में ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। और बेडरूम के अंदर ही हमने कॉर्नर में ये दरवाज़ा प्रोवाइड किया 2 फीट 6 इंच का। इसे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। इसका जो साइज़ है वो 4 फीट इंटू 5 फीट का है। जो लेंथ है वो 4 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 5 फीट की है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है। तो ये खिड़की हमारी यहाँ बैक साइड में ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और बेडरूम के अंदर यहाँ पे ये डोर दिया है 3 फीट का। इसे हम अंदर जाएंगे यहाँ गार्डन एरिया के अंदर। तो घर के लास्ट साइड में और यहाँ पे हमने ये प्रोवाइड किया गार्डन एरिया। इसका जो साइज है वो 12 फीट इंटू 9 फीट 9 इंच का है। जो लेंथ है वो 12 फीट की है
और जो ब्रेथ है वो 9 फीट 9 इंच की है। तो बेसिकली आप यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्लावरिंग कर सकते हैं, और आप यहाँ पे झूला लगा सकते हैं या फिर बेंच लगा सकते हैं। तो ये जो एरिया रहेगा ये ऊपर तक ओपन रहेगा, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा बाकी बेडरूम्स के अंदर भी। और हमने यहाँ पे कॉर्नर में स्पाइरल स्टेयर्स प्रोवाइड की है सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, तो आप यहाँ से ये टर्न टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। इसके आप सामने देख सकते हैं गार्डन एरिया के सामने हमने ये 3 फीट का दरवाजा दिया है। इससे हम एंटर करेंगे थर्ड बेडरूम के अंदर, तो सबसे लास्ट हमारा ये बेडरूम प्रोवाइडेड हमने किया है। इसका जो साइज है वो 12 फीट × 10 फीट का है, जो लेंथ है वो 12 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 10 फीट की है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो दी है, तो ये दोनों विंडो हमारी यहाँ गार्डन में ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर आपके घर में कोई ग्रैंडफादर है, बूढ़े लोग हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉपरली रह सकते हैं और इस गार्डन एरिया को प्रॉपरली इंजॉय भी कर सकते हैं। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया है, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है। होप करता हूँ उनको ये पसंद आया हो। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो ये 3D मॉडल वीडियो है, इससे पहले मैंने इसका 2D वाला वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो भी देखना है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख लीजिए, तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।